कितने बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 में क्या करेंगे, ये पार्ट को 3, 5, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3, 5, 2, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 120। और 120 जब आएगा तो 120 आएगा, तो 120 में 12 से क्या किया डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, 10 आएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार 6 को, 5 को, 10 को और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, ये 600 होगा। अब 600 में जिस प्रकार ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 120 आया, तो 120 को किससे डिवाइड किए, ये अंदर वाला से डिवाइड किए तो 10 आ गया। उसी प्रकार ये टोटल का मल्टीप्लाई जो है 600 आया, इसको इस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं इस पार्ट को क्या P, तो इस पार्ट को मान लेते हैं P। ठीक, तो ये रिजल्ट बीच वाले पार्ट से डिवाइड किए तो 10 आया, तो इस पार्ट से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 10 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 600 × 1/P, अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करके वो क्या चला जाता है बटे में, और 10 ये शून्य कट गया तो कितना हो जाएगा 60 = P, तो P के स्थान पे क्या आ जाएगा 60। अगर हम 600 को अगर 60 से डिवाइड करें, बीच वाले से डिवाइड करते हैं, सबका मल्टीप्लाई को बीच वाले से डिवाइड किए 12 से तो 10 आया। उसी प्रकार ये सबका मल्टीप्लाई कितना आ गया 600 आया, तो P का वैल्यू कितना निकल गया P, और इसमें इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, रिजल्ट कितना 10 आ गया, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 15 को, 6 को और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 360 आएगा। और 360 को फिर से यही कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा, 360 को किससे डिवाइड करेंगे, बीच वाले पार्ट से, 36 से, आंसर कितना आएगा 10 रिजल्ट आएगा। ठीक है, रहने दीजिए। 6 को, 7 को और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 210। और 210 को फिर से बीच वाले से डिवाइड करेंगे, 210 को बीच वाले से डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 10, इसका भी रिजल्ट 10 आया। आते हैं इस पार्ट में, 50 × 10 × 10 ये कितना हो जाएगा 5000। तो 5000 में कितना से डिवाइड करें, तो बीच वाले पार्ट से डिवाइड करें, तो बीच वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं P, तो P इक्वल टू कितना रिजल्ट आना चाहिए 10, तो 10 रिजल्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा P का वैल्यू 500। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 बच्चों, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, P का वैल्यू कितना आ गया 500, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑन। क्वेश्चन नंबर 15, ये तीनों को ऐड करने के बाद 14 + 19 + 12 ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 45। आते हैं इसमें, 13 + 15 + 17 ये सब को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 45। उसी प्रकार ये तीनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 45। मान लेते हैं यहाँ पे कितना है x है, 18 + 11 + x = कितना आना चाहिए 45। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा 29 + x = 45, x = कितना हो जाएगा 45, और ये प्लस इधर आके माइनस,
ये कितना हो जाएगा, ये 16। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 2। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या किया, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सबको मल्टीपल कर दीजिए पहले, ये सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 6 × 5 ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 270। और इसमें क्या करिए, 10 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, 260 आ गया, ये आ गया। ये सबको मल्टीपल करके, ये सभी को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 260 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 को 7 को और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना होगा, 224। और उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, 10, 10 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 240। उसी प्रकार ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 8 को और 6 को, जब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और 42 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61, 32, 33, तो ये कितना आ जाएगा, 336। और इसमें 10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 326। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। तो क्या किए बच्चों, ये सभी को मल्टीप्लाई करके 10 को सब्ट्रैक्ट किए तो इतना आ गया, 874 को जब मल्टीप्लाई किए तो 224 आया, 10 सब्ट्रैक्ट किए तो 214 आ गया। उसी प्रकार सेम एज इट इज 786 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा, और उसमें 10 सब में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें भी 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 326। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। राइट डाउन। आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 1 आएगा, फिर ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा, फिर ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो पहले 0 प्लस माइनस 2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये -2/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, -1 आ गया। सेम 1 प्लस -1/2 करेंगे तो 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, 0, ये 0 आ गया। फिर उसी प्रकार बच्चों इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 6, यहाँ पे क्या फिल होगा, 6, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, ये सभी को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5, 8 और 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80, और उसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। सेम 5 को इस 3 को और ये 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, और 60 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर से 2, ये कितना है, 10, और ये कितना है, 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और सब में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। राइट डाउन। आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 पे। जैसे कि 22 में क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये दोनों को ऐड करने के बाद, इधर से चलते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, और ये दोनों को भी ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 90, दोनों सेम है। उसी प्रकार बीच वाले पार्ट को देखते हैं,
ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, कितना आएगा 44। तो ये दोनों को भी ऐड करेंगे तो कितना होगा 44 होगा। सेम आ रहा है, मतलब बीच वाले दोनों को ऐड करने पर लास्ट वाले दोनों को ऐड करने के बराबर आ रहा है। तो सेम एज इट इज ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 22। अब इसमें इसको ऐड करेंगे तो 22 होगा। जिस प्रकार ये दोनों को ऐड करने के बाद 90 आया, ये दोनों लास्ट वाले के दोनों को ऐड किए तो 90 आया। सेम ये दोनों को ऐड किए 44 आया, ये दोनों को भी ऐड करेंगे कितना आएगा 44 आएगा। ये दोनों को ऐड किए तो 22 आया, तो ये दोनों को भी ऐड करने के बाद 22 आना चाहिए। तो ये 20 है, यहाँ पर कितना होना चाहिए जो दोनों को ऐड करने के बाद 22 हो जाएगा। तो 20 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2। ये दोनों मिलकर 22 हुआ, तो ये दोनों मिलकर भी 22 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 22। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या फील होगा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। थैंक यू।